टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की 4.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। देखिए, चतुर्भुज ABCD जिसमें AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, रफ चित्र बनाते हैं। ये हमने एक रफ चित्र बनाया है ABCD। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो जो मान दिए हैं उन सबको हम भर लेंगे। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा मान दिया है वो दिया है AC का, और AC देखिए इसमें है विकर्ण। तो इस अभी तक हम कैसे नॉर्मल ऐसे चतुर्भुज बनाते हुए आए हैं ABCD, इस बार हम विकर्ण को यहाँ बीच में रखेंगे और चतुर्भुज को ऐसा तिरछे शेप में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये जो 7 सेंटीमीटर ये सबसे बड़ी लंबाई दी है, ये किसकी दी है, विकर्ण की। इसलिए हम विकर्ण को बीच में बनाएंगे और बाकी जो रेखाएं हैं, ये देखिए हमने यहाँ AC बना लिया, तो ABCD ऐसा क्रम याद रखेंगे, या फिर ABCD ऐसा क्रम रख सकते हैं। हमने यहाँ B नीचे लिया है, तो फिर हम इसका चित्र बनाना शुरू करते हैं। इसमें हमने सब मान भर लिए हैं, AB का मान दिया है, BC दिया है, CD दिया है, AD, और ये AC तो है ही हमारा 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ये मैंने 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली है। अब हम क्या करेंगे, A को केंद्र मानेंगे और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। ये 6 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ से नाप के रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम 6 सेंटीमीटर का यहाँ से एक आर्क लगाएंगे बिंदु A से। इसी तरह से बिंदु C से, ये हमारा AC है। अब बिंदु C से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। ये मैंने 4 सेंटीमीटर इसको सेट कर लिया है परकाल को। ये 4 सेंटीमीटर का आर्क हमने बिंदु C से लगाया। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं 6 सेंटीमीटर वाले को। ये 6 सेंटीमीटर का आर्क था और ये 4 सेंटीमीटर का। इस तरह से हमें बिंदु D प्राप्त हो गया, ये ऊपर की ओर। हम इन CD और AD को मिला लेंगे। ये हो गया, CD मिल चुका है, अब मिलाएंगे AD। इसी तरह से हम नीचे की तरफ भी करेंगे। ये है 4.5 सेंटीमीटर, तो हम आर्क खोलेंगे 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ से। ये हमने 4.5 सेंटीमीटर ले लिया, इसको हम बिंदु A पे रखेंगे। ये रखा हमने यहाँ पर 4.5, हमें मिल गया। अब हम लगाएंगे 5.5 सेंटीमीटर का आर्क, क्योंकि BC बराबर है हमारा 5.5 सेंटीमीटर। ये हम C बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पर नीचे 2 आर्क लग चुके हैं। ये है C से 5 सेंटीमीटर का आर्क, और ये A से हमने लगाया था 4.5 सेंटीमीटर का आर्क। ये देखिए, ये 4.5 सेंटीमीटर का आर्क हमने A से लगाया था, और बिंदु C से हमने लगाया है 5.5 सेंटीमीटर का आर्क, ये यहाँ पर आया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें नीचे बिंदु B प्राप्त हुआ है, ये हमें बिंदु B प्राप्त हो गया। अब B को हम A और C से मिला देंगे। ये A से मिलना तैयार है, और ये हम मिलाएंगे C से। इस तरह से हमें अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हो गया। अब हम इनमें मान सबके लिख देंगे। ये हमने 6 सेंटीमीटर का लिया था, ये लिया था 4 सेंटीमीटर का, यहाँ पर हमने लिया था 4.5 सेंटीमीटर का, और ये वाला हमने लिया था 5.5 सेंटीमीटर का। ये हमने सबके मान भर दिए हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे रचना के चरण। ये मैंने यहाँ पर भी अलग से मान लिख के रखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर हो गया है, आपको शायद स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा। रचना के चरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें मैंने 4 चरण लिख के रखे हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या खींचा था, रेखाखंड AC, तो यहाँ लिख देंगे रेखाखंड AC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद क्या किया था, A को केंद्र मानकर यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था,
छः सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा और इसी तरह से सी को केंद्र मानकर चार सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा, है ना। अब ये दोनों चाप तो खींच लिए, जो पहले वाले चाप को बिंदु डी पर काटता है ये हमें बिंदु डी प्राप्त हुआ था। फिर क्या करेंगे, इस प्रकार हमें बिंदु डी प्राप्त हुआ, ये डी बिंदु हमें प्राप्त हो गया। अब हम लिखेंगे ए डी तथा सी डी को मिलाया, ये हमने ए डी और सी डी को मिला दिया था। अब ये देखिए ऊपर वाला त्रिभुज तो बन गया, अब हमें नीचे वाले की रचना करनी है। तो थोड़े से स्टेप्स मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, थोड़ा समय की बचत हो जाए इसलिए मैंने चार पांच स्टेप लिख के रखे थे। नंबर पांच में लिखते हैं, फिर हमने क्या किया था, पुनः बिंदु ए को केंद्र मानकर हमने क्या किया, यहां पर 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ हम चार चाप लगा रहे हैं, तो लिखेंगे नीचे की तरफ एक चाप खींचा। ये हमने पहला पॉइंट सेम इसी के जैसा लिख लिया, जो एसी हमने यहाँ पर ये ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का ऊपर लगाया था, अब यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का नीचे लगाया। इसी का छठवां पॉइंट होगा, इसी प्रकार पुनः ये सॉरी सातवां पॉइंट होगा, ये पांच दो बार हो गया है। इसी प्रकार पुनः बिंदु सी को केंद्र मानकर, पुनः क्यों लिखा, बिंदु सी को केंद्र मानकर एक बार हम ऊपर की तरफ आर्क लगा चुके हैं, बिंदु सी को केंद्र मानकर आर्क को इंग्लिश में, त्रिज्या को इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर की, अभी हमने लिया था 4.4, अब ले लिया है 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप खींचा, जो पहले वाले चाप को बिंदु बी पर काटता है। नंबर सातवां पॉइंट हो जाएगा हमारा, ए बी तथा बी सी को मिलाया। नंबर आठ का पॉइंट, आठ में पॉइंट ना लिख के हम सीधा लिख देंगे, इस प्रकार हमें अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हुआ। ये जो रचना के चरण है ये लिखना बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यदि आपको डाउट है कि आपने जो लिखा है कहीं वो गलत ना हो जाए, या लिखने से पहले हम बहुत सारा ये भ्रम रहता है कि हम ऐसा लिख रहे हैं गलत ना हो जाए, तो इसके लिए क्या करें आप, आपको जिस भी चीज़ की लैंग्वेज अच्छी लग रही हो, चाहे परीक्षा बोध हो या गाइड हो, जो भी चीज़ की आपको अच्छी लग रही हो या मेरे चैनल मेरे वीडियो की अच्छी लग रही हो, तो ये वाली आप लिख के रख लें और थोड़ा सा आप रफ में लिख के देखिए, फिर उसको इस वाले से मिलाइए जो हमने लिखा हुआ है। जहाँ आपको लगता है कि ये सेंटेंस एकदम गलत है तो उसकी जगह आप थोड़ा सा ये वाला सेंटेंस रखिए। बस आप दो तीन बार रचना के चरण लिखेंगे आपको लिखते बनने लगेंगे। अब अगले वीडियो में हम इसी क्वेश्चन नंबर एक के 2, 3 और 4 कराएंगे, उसमें हम रचना के चरण नहीं लिखाएंगे, सेम इसके जैसे आप फॉलो करके लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी, देखने के लिए धन्यवाद।